जी अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ जी ड्राई फ्रूट के लड्डू। देखिए इंग्रेडिएंट्स में क्या यूज़ करी, उसमें मैं मूंगफली, ये एक पाव मूंगफली है, एक पाव पिस्ता है, आधा पाव काजू, आधा पाव किशमिश, 150 ग्राम्स खशखाश, 150 ग्राम्स तिल, ये है 100 ग्राम्स चारों मग्स हैं इसमें, एक नहीं है, सिर्फ पंपकिन सीड्स नहीं है, बाकी सारे सीड्स शामिल हैं। खोपरा 150 ग्राम्स, ये 15 से 16 खजूरें हैं, और ये है एक पाव बादाम। अच्छा जी, इसमें ये है इलायची पाउडर 1.5 टेबल स्पून, 1.5 टेबल स्पून सौंफ। अब चूँकि खुद ब खुद इसमें कोई ऑयल कोई चीज़ यूज़ नहीं होगी, लेकिन टेस्ट के लिए आपका ऑप्शनल है, जो मैं यूज़ करती हूँ अपने लिए वही, इसमें शक्कर डालती हूँ 1.5 टीस्पून, और 1.5 टीस्पून मक्खन टेस्ट के लिए। अगर आप डालना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, नहीं तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा अखरोट से मुझे एलर्जी है, आप एक पाव अखरोट भी डाल सकते हैं, मैंने अखरोट इसमें शामिल नहीं किया। स्टार्ट करते हैं हल्की, ये खशखाश को बस 30 सेकंड के लिए इसको भून लेंगे हम। बुनाई हमारी स्टार्ट होगी खशखाश के साथ ही, 30 सेकंड्स हो गए हैं। अब इसमें तिल दोनों को डाल दिए, बुनाई हल्का सा बस रोस्ट करना है, इनका टेस्ट चेंज नहीं करना, कलर चेंज नहीं करना, एक से डेढ़ मिनट तक दोनों को मिला के भून लेना है। डेढ़ मिनट बाद आप डालें चार मग, ड्राई रोस्ट हो गया। अब इसको हम प्लेट में डाल देते हैं, इसके अंदर हम डालेंगे ड्राई फ्रूट अपना, बादाम, ऑयल वगैरह कुछ यूज नहीं हो रहा यहाँ पे, पीनट्स, मूंगफलियाँ हमारी, काजू, पिस्ता, ये भी उसी तरह हमें ड्राई रोस्ट करना है। ज़्यादा देर नहीं करना, ड्राई फ्रूट को बस शामिल हो जाएंगे। अब इसमें हम किशमिश करेंगे ड्राई रोस्ट, बस इसको चूल्हा बंद करके, क्योंकि पैन गर्म है, इसी नहीं करना है, गर्म गर्म पैन में रखना है इसको, बस इसको चूल्हे की तरफ। चलें जी, अभी हम इनको हम ब्लेंड करने की तरफ चलते हैं। इसमें हम डालेंगे सबसे पहले खजूर, 15-16 किलो, और इसके बाद किशमिश, ड्राई फ्रूट, इतना करते थे बाद में सकते हैं। ताकि टेस्ट बन जाए इसको, फिर बाद में काफ़ी मैंने डाल दी है।
गया, पिस गया सारा जितना फर्स्ट में। देखिए हमारा ब्रांड हो गया, इसके छोटे 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 लड्डू बनाएंगे हम। ये जो बाकी रह गया था इसको मैं अब मिक्स करके फिर उसके साथ शामिल कर देती हूँ। ये ब्लेंड हो गया और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हो गया होगा। इसके साथ अब हम इनको शामिल करते हैं और मिक्स करके मैं लड्डू बनाना आपको बताती हूँ कैसे बनाएंगे। देखिए अब मैं इसको जो थोड़ा सा ड्राई ड्राई था, पहले हमने खजूर के साथ मिक्स किया था वो, अब ये दोनों बना के मिक्स कर देती हूँ। साथ में इसी स्टेज पे मक्खन या देसी घी 1.5 टेबलस्पून के हैं ये मिक्स कर लेते हैं। इसके साथ बड़े मज़े के बनते हैं, बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं लड्डू हमारे ड्राई फ्रूट के। ड्राई फ्रूट तो वैसे ही न्यूट्रिशन से भरपूर होते हैं। सर्दियों में बहुत ज़बरदस्त किस्म की इसकी फादियत है, गर्मियों में भी खा लें, गर्माहट आपको देता है से सर्दियों में ठंड का एहसास कम दिलाता है ड्राई फ्रूट आपको। और स्पेशली जब कीमत पता चलती है ना तो फिर ज़्यादा एहसास होने लगता है जी। अच्छी तरह मिक्स हो गया है ये, अपनी मर्जी के अपने साइज़ के मुताबिक जिस साइज़ के आप बनाना चाहते हैं लड्डू आप बना लीजिए। और ये बच्चों को आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, एक एक डेली खिला दें बच्चों को तो बहुत, स्पेशली ग्रोइंग एज में बच्चों को और गर्ल्स को, बॉयज को भी ज़रूरत होती है लेकिन गर्ल्स को न्यूट्रिशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो आप गर्ल्स को भी ज़रूर खिलाएं। इसमें खजूर भी है, पिस्ता भी है, बादाम भी है, काजू भी है, हर तरह का ड्राई फ्रूट है। और इन्जॉय भी करेंगे, मज़ा भी करेंगे। शक्कर और घी आपका ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो ठीक है, क्योंकि थोड़ा ड्राई ड्राई सा हो जाता है लड्डू बनाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं घी या मक्खन ऐड कर देती हूँ, देसी घी या मक्खन। अदरवाइज़ आप इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं, खोपरा भी ऑयली होता है सारा, लेकिन जब आपको ड्राइनेस फील हो तब आप इसमें ऐड करो। चलें जी, ये मैं बनाती हूँ, पूरी कंप्लीट करती हूँ। बेसिकली मैंने अपनी बहन के घर जाना है, मैंने उसके लिए सोची थी क्या बनाऊँ, मैंने कहा यही चीज़ बना के लेके जाती हूँ अपनी बहन के घर, इन्जॉय भी करेगी, खाएगी भी, उसके बच्चे भी इंजॉय करेंगे, पसंद है। मैं बना के आपको फिर बाद में कंप्लीट जब हो जाते हैं तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये जी आखिरी रह गया हमारा कंप्लीट। अब छोटे साइज़ की भी बना सकते हैं, गोलियाँ टाइप की, या आप ये लड्डू वाले साइज़ का बना लें। चलिए जी, बिस्मिल्लाह, मैं पैक कर देती हूँ अपनी बहन के लिए। होममेड ड्राई फ्रूट लड्डू ओवरलोड करने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे अच्छे साइज में, बहुत साइज की। ज़बरदस्त किस्म का गिफ्ट होता है, बजाय इसे कि आप महंगे महंगे जाके केक्स खा खरीदो और आप कोई और आर्टिफिशियल चीज़ लेके जाओ, आप अपने घर से अपने पड़ोस का इजहार इस तरह भी कर सकती हो। ऐसा है ये देखिए मेरी प्लेट में, और पैक करती हूँ।